बाद गैंगरेप के बाद गला घूंट चलाया, पुलिस करेगी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश। हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबराबाद पुलिस ने पुष्टि की है कि महिला डॉक्टर की हत्या से पहले उनका गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला डॉक्टर का गैंगरेप करने के बाद उन्हें कंबल में लपेटा गया और फिर उनका गला घोटा गया। इसके बाद केरोसिन डालकर उन्हें जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंता कुंता, केशावलू और शिवा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम देने के दौरान शराब पी रखी थी। पढ़े, हैदराबाद रेप पीड़िता की मां बोली, जिंदा जलाए जाएं हत्यारे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजने की सिफारिश। साइबराबाद पुलिस ने केस को महबूब नगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश करने की बात भी की है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। कल घरवालों से मिलने जाएंगे गृह राज्य मंत्री। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी शनिवार को महिला डॉक्टर के घरवालों को सांत्वना देने उनके घर जाएंगे। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने बेतुका बयान दिया था कि अगर महिला डॉक्टर ने अपनी बहन की जगह पुलिस को फोन किया होता तो उसे बचाया जा सकता था। बाद में फजीहत होते देख गृह मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण भी पेश किया था। घर लौटते वक्त पंचर हो गई थी बाइक। आपको बता दें कि हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक सरकारी महिला डॉक्टर की अचली लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद माना जा रहा था कि 27 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हैवानियत की इंतहा यह थी कि आरोपियों ने डॉक्टर की लाश को जलाकर एक फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया था। दरअसल महिला डॉक्टर रात में अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी। पढ़े, गृह मंत्री का अजब बयान, 100 नंबर क्यों नहीं किया डायल। इससे पहले पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि रात में साइबराबाद पुलिस उन्हें दौड़ाती रही और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती तो पीड़िता को जिंदा बचाया जा सकता था।